अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मोम्स लोग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमारे घर दावत है और कुछ स्पेशल गेस्ट हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, तो बस मैं उनके लिए ये डिनर रेडी कर रही हूँ। ये होल मुर्गी और कुछ ड्रम स्टिक्स हैं, उनको मैंने ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इनको बेक कर लूँगी। मैं इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी, बस मैं ओवन में ही बेक करूँगी। और साथ में मैंने मिक्स ये स्वीट में मैं बनाई थी लजीज़ा खीर मिक्स। और ये सब आप सबको तो पता होगा कि 1 kg मिल्क में ये एक पैकेट डलता है, और दूध को बॉयल कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसमें ये लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट डाल देंगे। ये काफ़ी ईजी बन जाती है, तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। तो बस इसको मैं अब डाल दूंगी और इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, और गाढ़ी होने पे इसको हम चूल्हे से उतार देंगे। बहुत आसान है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ में चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, मैं एक ही हमेशा मेरी चॉइस नहीं रहती, मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का काफ़ी शौक़ है। तो बस मैंने इसलिए आज कुछ डिफरेंट बनाने की ट्राई की। तो अब मैं इसके गाढ़े होने तक का वेट करूँगी और इसको चम्मच चलाती रहूँगी। और साथ में मैंने ये बना ली थी चिकन कढ़ाई, और ये भी डिफरेंट तरीके से है। आपको मेरी रेसिपीज़ देखते रहते होंगे कि मैं एक रेसिपी ही बार बार बनाती नहीं हूँ, ये डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। और ये मैंने बनाई है, ये सबसे पहले मैंने ओनियन और लहसुन वगैरह को अच्छे से मैंने भून लिया था, फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया, और चिकन को एक कलर चेंज होने तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। गरम मसाला वगैरह भी आप इसमें डाल दें साबत, क्योंकि ये चिकन की स्मेल होती है वो अच्छे से मसाले में भुन भी जाती है, गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाती है। और बाद में फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, टमाटर मैंने 2 डाले हैं, और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और बाद में मैं फिर इसमें स्पाइसेस वगैरह जो है नमक मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर वगैरह डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इस स्टेज पे आपके पास अगर कढ़ाई मसाला हो या 4 गोश्त मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो है 4 गोश्त मसाला 1 tablespoon मैंने डाला है, और 3 tablespoon मैंने इसमें योगर्ट डाला था, और इसको बस मैंने अच्छे से भून लिया था, और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसके गलने तक मैं पकाऊंगी। साथ में मैंने ये चना चाट बनाई थी बहुत आसान तरीके से, ये ओनियंस टोमेटोज पोटैटो और ये सफ़ेद चने जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए थे, और ग्रीन चिलीज़ और योगर्ट मैं बाद में ऐड करूंगी। और ये देखें, अब ये कढ़ाई जो है ये रेडी हो रही है, और अच्छे से मसाला भुन गया था, ये देखें काफ़ी ज़्यादा अब अच्छी सी। अब मैं इसको भून लूँगी और ऑयल सेपरेट होने तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको, आप अच्छे से भूनिएगा, क्योंकि जितना आप भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, अब ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैं इस पे सब्ज़ धनिया जो है गार्निश जब मैं करूँगी सर्व करूँगी तो तब मैं इसको इस पर गार्निश कर दूँगी। और साथ में मैंने ये ज़रदा बनाया था, बहुत आसान तरीके से बनाया मैंने, और मैंने इस अपने चैनल पे ऑलरेडी इस शेयर की हुई है इसकी रेसिपी, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आपने चावलों को फुल बॉयल नहीं करना, एक कनी इसमें बाकी रहनी चाहिए, और बाकी जो इसका शीरा तैयार करते हैं बस ऑयल और चीनी और सब्ज़ इलायची इसको डाल दें और अच्छे से बॉयल कर लें, फिर इसमें चावल ऐड कर दें। और मैंने इसमें 1 tablespoon जो है सौंफ भी डाली थी। तो अब आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं आप वो डाल दें, और इसको अच्छे से मिक्स करें हल्के हाथों से, क्योंकि इसको ज़रा सख्त हाथ नहीं लगाने, चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। और अब ये देखें, मैंने एंड टाइम पे दही भी ऐड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर पहले ही मैं डाल देती तो वो फिर पानी छोड़ना शुरू हो जाते हैं, टमाटर वगैरह प्याज और स्मेल सी आने स्टार्ट हो जाती है। मैंने बस एंड टाइम पे ही इसमें योगर्ट ऐड किया है। तो बस अब मैं इसको सर्व करूँगी, सर्विंग बाउल में जब मैं निकालूँगी तो फिर मैं इसमें चाट मसाला ऊपर से और धनिया जो बस डाल दूँगी गार्निश के लिए,
और काफ़ी अच्छा लगता है ये, एज अ सैलड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बड़े मज़ेदार सा हेल्दी है वैसे भी। और ये जो है ये ड्रम स्टिक्स हैं, इनको मैं बेक कर लूँगी, इनको मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, बेक ये है कि फिर लेस ऑयल, बिल्कुल लेस, तो क्या एक कतरा भी इसमें मैंने ऑयल का नहीं डाला था। और काफ़ी ये हेल्दी है, ये डाइटिंग के लिए, तो जो डाइटिंग करें उनके लिए तो बेस्ट है। और ये होल मैंने ये मुर्गी भी ले ली है, इसको भी मैं बेक कर लूँगी। ये देखें अब ये बेक हो रही है, ये मैंने 50 मिनट्स का टाइम लगा दिया था टाइमर, तो वैसे ये 1 घंटे में रेडी हुई थी, मैंने 10 मिनट्स का और टाइम इसको दे दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। गल तो वैसे भी गई थी। और साथ में मैं ये बना रही हूँ चना पुलाव, बहुत आसान तरीके से। ये मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह जो है अच्छे से भून लिया था, फिर बाद में मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और जो स्पाइसी थे नमक मिर्च और हल्दी पाउडर धनिया पाउडर ये डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और टमाटर सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी। गला जो है मेरा थोड़ा ख़राब है, मुझे एकदम से खांसी स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से मेरा गला थोड़ा बैठा बैठा आपको महसूस हो रहा होगा। तो अब ये मैंने 2-3 चम्मच जो है योगर्ट के ऐड कर दिए। आप योगर्ट को ज़रूर डाल के ट्राई कीजिएगा, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, देगों वाला टेस्ट आता है। तो अब मैं इसको मसाले को अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि जितना आप भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये अब आपने चने डाल देने हैं, और चने डाल के इसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि कच्चापन जो चनों में आता है वो नहीं आएगा, मसालों का टेस्ट जो है वो चनों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपने इसको कुछ देर मसाले में भूनना है चनों को। तो ये देखिए ये अब अच्छे से भून गए हैं, तो अब मैं पानी डाल दूंगी जो जितनी क्वांटिटी थी चावलों की, तो उस हिसाब से। तो ये भी काफ़ी अच्छे मज़ेदार बने थे। और ये देखिए अब ये होल चिकन जो है वो रेडी है, ये देखें कितने मज़ेदार सा ये बना है, जैसे सजी होती है वैसे ही ये बिल्कुल, और टेस्ट वाइज भी काफ़ी मज़ेदार बनी थी। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, और लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपकी आसानी के लिए, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और साथ में मैंने ये ड्रम स्टिक्स भी रख दिए हैं ताकि वो भी रेडी हो जाएं, मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले ये मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये अब मैंने बॉयल आना शुरू हो गया था, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, तो बहुत मज़ेदार बने थे ये, काफ़ी अच्छे मज़ेदार बने थे। रायता सलाद वगैरह मैंने बना लिया था साथ ही। तो ये देखिए अब बस इसका पानी ड्राई हो जाए तो फिर मैं दम पे लगा दूंगी। और साथ में मैंने ये नान भी बना लिए थे, बेक कर लिए थे, ये देखिए अब ये नान रेडी हो रहे हैं। तो रोटियों वाल वगैरह की सहूलत तो नहीं है, बस फिर घर में ही खुद ही से बनाना पड़ता है। खैर काफ़ी हमने इंजॉय किया और काफ़ी मज़ा भी आया। तो पाकिस्तानी जो है फैमिली आई हुई थी और कुछ दिन के विज़िट पे थी, तो इसलिए काफ़ी हमने इंजॉय किया। और ये फाइनल लुक है, ये मर्दों में तो मैंने दे दिया था, और हम लेडीज़ के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा ये मैंने बाहर सर्व किया था। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी परफेक्टली बनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।